दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियो रन कर रहा है, ये आप लोगों के लिए 8वां वीडियो है। इससे पहले के 7 वीडियो में मैंने आप लोगों को जो नॉलेज दिया था अकाउंट से रिलेटेड, आई होप कि आप लोगों को वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लेजर के बारे में सीखा था, ग्रुप के बारे में सीखा था। इन सब की नॉलेज लेने के बाद जो सबसे पहले हमने सीखा था, वो बेसिक नॉलेज के बारे में सीखा था कि हमारे रूल्स क्या होते हैं, कौन से रूल को हमें फॉलो करना होता है ताकि हम अपने अकाउंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो आई होप कि वो 7 वीडियो तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया हो। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, उस टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान से देखना है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर दे दूंगा। तो चलिए, आज की जो ये हमारी 8वीं क्लास है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे सिंगल एंड मल्टीपल लेजर क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं, ओपनिंग बैलेंस कब चढ़ाते हैं, और बिल फॉर्मेट यानी जब हम लेजर क्रिएट करते हैं ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए, तो उसमें जो हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, अगेंस्ट बिल, न्यू बिल, ऑन अकाउंट, एडवांस बिल, इन चारों का ऑप्शन कब कब यूज किया जाता है और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये आज ही हम चारों ऑप्शन सीखने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके कहता हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ और वहां पे आप लोगों को ये चारों ऑप्शन प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस टाइम हम टैली ERP 9 के सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपने कंपनी को ओपन कर लेते हैं सिलेक्ट कंपनी करके। तो यहाँ सबसे पहले मैं वो कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस कंपनी के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, जो हमने कंपनी बनाई थी ऑनलाइन सेवा के नाम से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में सीखा था, फिर उसके बाद जो हमारी 7वीं वीडियो आई उसमें हमने लेजर के बारे में सीखा, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर के बारे में सीखेंगे, जो कि आज के हमारे टॉपिक में भी ये पार्ट रखा गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो में जो ये लेजर होता है, यहाँ पे जो सिंगल लेजर मल्टी लेजर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि जब मैं सिंगल लेजर में जाके यहाँ पे कोई लेजर क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे श्याम लिखा। अब ये श्याम, अगर हमने इस श्याम से माल खरीदा है तो ये हमारे लिए जो ग्रुप होगा वो जाएगा संडे क्रेडिटर के अंदर, लेकिन अगर हमने इसको माल सेल किया होगा तो ये जाएगा हमारे संडे डेटर के अंदर। या फिर मान लीजिए कि अगर हमने श्याम से लोन लिया होता तो ये लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर चला जाता, लेकिन अगर हमने इसको लोन दिया होता तो ये लोन एंड एडवांस के अंदर चला जाता, जो आप लोग देख सकते होंगे। लोन एंड एडवांस देते टाइम हमें ये देखना होता है कि हमें उनसे पैसा मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए वो हमारे एसेट के पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जब हम लोन लेते हैं किसी से तो हमें फ्यूचर में उसको पे करना होता है, इसलिए वो हमारे लोन लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ये जितने भी हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपने 4th या 5th वीडियो में आपको बता रखा है क्लियर करके। तो आप लोग उस वीडियो को भी पहले सबसे पहले देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। वीडियो में आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखकर चलना है, वरना आप लोगों को कुछ ना कुछ डाउट जरूर रह जाएगा और हो सकता है ये कंफ्यूजन आप लोगों की दूर ना हो पाए। तो चलिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिंगल लेजर और मल्टी लेजर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए इस टाइम में मैं सिंगल लेजर में आया हुआ हूँ और मान लीजिए कि ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। इसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। ध्यान रखने वाली बात आपको यह है कि जब यहाँ पे आपका संडे क्रेडिटर या संडे डेटर आता है तो उस केस में आपको मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन, इसको यस करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को एंटर एंटर करके यहाँ पे इसकी जो डिटेल होती है इस पार्टी की नेम, उसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होता है। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सेव नहीं कर रहा। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरा राम भी होगा जो क्रेडिटर होगा, तो उसके बाद मैं क्रेडिटर में जाऊंगा, यहाँ पे राम लिखूंगा, सेम यहाँ पे लिखूंगा संडे क्रेडिटर। तो
इसका भी मेंटेन बिलिंग में बिल ऑप्शन को हम यस करेंगे। एंटर एंटर करते हुए इसकी सारी डिटेल फिल करेंगे, इसका नाम, इसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर उसका है तो वो आपको डालना होगा। इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। तो सिंगल लेजर में क्या होता है कि हमें एक एक लेजर क्रिएट करना होता है, भले ही हमारे 10 क्रेडिटर क्यों ना हो, लेकिन उन 10 क्रेडिटरों का डिटेल जो होता है वो हमें एक एक करके फिल करना होता है। ये होता है हमारा सिंगल लेजर। अब मल्टी लेजर की अगर मैं बात करूं तो मल्टी लेजर भी हमारे सिंगल लेजर की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली उस लेजर को, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है हमारा संडे क्रेडिटर, मैंने ये लिया संडे क्रेडिटर। अब जो हमारे 10 क्रेडिटर हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर डिटेल डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे श्याम डाला पहले, श्याम डालने के बाद आप यहाँ देखते होंगे ऑटोमेटिक ये संडे क्रेडिटर इसने कैच किया। इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये हमसे अगला पूछेगा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में बताने वाला हूँ क्योंकि ये भी हमारा इसी कंसेप्ट का पार्ट है। अभी फिलहाल मैं एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैं इसको राम सेलेक्ट करता हूँ, राम सेलेक्ट करने के बाद संडे क्रेडिटर डालता हूँ और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहा हूँ अपने क्रेडिटर्स के, तो यहाँ पे ये सिर्फ हमसे उनका नाम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, उसका एड्रेस, पैन नंबर, बैंक डिटेल, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीजें नहीं पूछ रहा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सिंगल लेजर बनाते टाइम हम यहाँ पे वो सारे लेजर बना सकते हैं जो हमारे लेजर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आप मल्टी लेजर में कभी भी संडे क्रेडिटर या संडे डेटर मत बनाइएगा। वहां पे आप लोगों को बनाना है अपनी लाइबिलिटी या फिर असेट से रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी ये टैक्स है और इसके ओपनिंग बैलेंस आप लोगों के पास है, तो आप लोग सिंगल लेजर में अगर आप बनाते हो तो उसको आप लोग सिंगल एक एक करके बनाओगे। लेकिन आप सिंगल लेजर की जगह मल्टी लेजर यूज कीजिएगा, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टी लेजर बनाते टाइम ये हमसे एड्रेस वगैरह ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, ये सिंपल हमसे नाम, ग्रुप और उसका ओपनिंग बैलेंस मांगता है। तो उस केस में हमें सिंगल लेजर की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली मल्टी लेजर क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी बचता है और इसमें जो हमारे लेजर होते हैं वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, अगर उसमें आप लोगों अपना एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं करते तब उस केस में आप लोगों को मल्टी लेजर यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं ड्यूटी एंड टैक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे सीजीएसटी बनाता हूँ अंडर और इसका बैलेंस डाल देता हूँ। सेम ऐसे यहाँ पे एचजीएसटी बनाता हूँ, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स और इसका बैलेंस भी हम डाल देते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आईजीएसटी ले लेता हूँ और यहाँ पे भी इसका बैलेंस हम डाल देते हैं। तो क्योंकि मल्टी लेजर उन लेजर के लिए होता है जिसमें हमें एड्रेस, पैन का नंबर या उनका जीएसटी नंबर, बैंक डिटेल, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में हमें सिंगल लेजर और मल्टी लेजर का इस्तेमाल का डिफरेंस जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक था कि सिंगल लेजर और मल्टी लेजर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा जो कंसेप्ट था वो ये था कि हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। अब जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस होता क्या है। जैसे इस टाइम हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 19-20, इसका जो असेसमेंट ईयर आएगा वो 20-21 आएगा, यानी 19-20 का जो हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे बैलेंस शीट बनाकर, उसमें हमारा कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। हमारे डेटर के बैलेंस भी बचेंगे, क्रेडिटर के बैलेंस भी बचेंगे, लोन एडवांस के बैलेंस भी बचेंगे, कैपिटल का बैलेंस भी बचेगा हमारा। इसी तरीके से जितने भी हमारे कैश या बैंक का बैलेंस होगा वो भी बचेगा। तो पिछले साल का यानी फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है, जब हम अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वो सारे के सारे आज ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो टैली में जब भी हम अपना ओपनिंग बैलेंस सेट करते हैं लेजर क्रिएट करते टाइम, तो हमें ध्यान देना होता है कि वो बैलेंस कहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर में चलते हैं। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ओपनिंग बैलेंस, हमने एक बुक तैयार किया था, बुक में हमने सारे कुछ मेंशन किए हुए थे। अब मैं कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे राम लिखा, राम लिखने के बाद यहाँ पे संडरी
क्रेडिटर मेंशन किया, मेंटेन बिलिंग बबिल ऑप्शन को हम यस करेंगे। इस ऑप्शन को यस क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पे उसकी सारी डिटेल मेंशन करने के बाद यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2019, क्योंकि मेरा इस टाइम पे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 19-20 का, तो ये हमसे 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, 31 मार्च 2019 को जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ होगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने 23,000 रुपये मेंशन कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने हमसे बिल वाइज ब्रेकअप मांगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों से ये ऑप्शन यस करने के लिए क्यों कह रहा था। अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को नो करा और आगे बढ़ते गए तो ये आपसे आपका बिल वाइज ब्रेकअप नहीं मांगेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जब भी यहाँ पे संडी क्रेडिटर या संडी डेटर आप लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड के लिए तो आप लोग इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड होता है कि कितने महीने कितने साल का इसको आप लोगों ने टाइम दिया था। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 30 डे ले लिया इसमें। इसके बाद यहाँ पे 23,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला। अभी हमसे बिलवाज ब्रेकअप मांगता है तो 31 मार्च 2019 यानी वो डेट मांगता है। जैसे मान लीजिए 23,000 के 3 बिल पेंडिंग पड़े होंगे जो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम लेकर चलते हैं कि 10 जनवरी 2019 को एक बिल क्रिएट हुआ था। यहाँ पे बिल नंबर डाला जाता है नेम के नीचे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेम का मतलब पार्टी का नाम नहीं होता, बिल नंबर होता है। यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाला, उसके बाद ड्यू डेट इसको कब तक का टाइम दिया गया था वो डेट आप लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 31 मार्च 20 ले लेता हूँ, 31 मार्च 2020 तक का इसका ड्यू डेट है। अब इस बिल पे हम सपोज करते हैं कि 13,000 रुपये का बैलेंस बकाया है। इसी तरीके से हम लेकर चलते हैं कि एक हमने 1 मार्च 19 को बिल लिया 202 के नाम से। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेम 31 मार्च 2020 तक इसका ड्यू डेट है। अब यहाँ पे 10,000 बैलेंस डाल के हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, और ओपनिंग बैलेंस कब डालते हैं ये दोनों चीज भी मैंने इसके साथ ही आप लोगों को बता दिया। तो 3 चीज हमने सीख लिया कि सिंगल लेजर मल्टी लेजर में क्या डिफरेंस होता है, दूसरा ओपनिंग बैलेंस कब डाला जाता है, तीसरा ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। अब जो चौथा हमारा इसके अंदर टॉपिक था कि बिल फॉर्मेट के बारे में, अब बिल फॉर्मेट के बारे में देखें। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे श्याम लिखा श्याम लिखा, श्याम लिखने के बाद यहाँ पे संडे क्रेडिटर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को मैंने यस करा। यहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। अब यहाँ पे लेके चलते हैं 20,000 रुपये इसका बैलेंस। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2019 को लेते हैं, एक बिल नंबर है